बनाएंगे आलू प्याज का लच्छा पराठा। इसके लिए हमने ये 1.5 कप मैदा ले लिया है। इसमें 1 टीस्पून घी डाल दें, स्वाद के अनुसार नमक, बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग सोडा, करीब ये इतना सा लिया है, थोड़ी सी चीनी। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर ले। जरूरत के हिसाब से दही डाल के इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर ले। इस तरह का लगाना है। इस पे थोड़ा तेल लगा के इसे ढक के छोड़ दे। इस आटे को 1 घंटे के लिए ढक के साइड कर दे और अब हम मसाला बना लेंगे। मसाला बनाने के लिए हमने ये 2 प्याज इस तरह से महीन काट लिए हैं। अब इसमें ये 4 उबले हुए आलू जिन्हें हमने ग्रेट कर लिया है इसमें डाल ले। गोटा धनिया करीब 1 चम्मच ले लिया है, इसे इस तरह से हाथ से क्रश करके डाल दे। अब इसमें ये बारीक कटे हुए धनिया और पुदीना के पत्ते डाल दें। 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच सेका हुआ जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच अनारदाना पाउडर। अनारदाना को हमने सेक के उसका पाउडर बना लिया था। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर ले। मसाला इस तरह से बन चुका है। मसाला और आटा रेडी है। अब हम रोटी तैयार कर लेते हैं। इस साइज की लोई हमने बना ली है। ये देखिए आटा इस तरह का नरम है। लोई में सूखा आटा लगा के, आटा मैदा कुछ भी यूज कर सकते हैं आप, और इसे जितना पतला बेल पाए बेल ले, बिल्कुल पतला बेलें इसे, इस तरह से बिल्कुल पतला बेल लिया है हमने। अब इसके ऊपर घी लगा ले चारों साइड में अच्छी तरह से। जैसे घी लगा लिया है, आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं। अब इस पे ये आलू प्याज का मसाला डालें। मसाले को चारों साइड अच्छे से पतला करके फैला लें। इस तरह से चारों साइड फैला लें। इन्हें हल्के हाथों से दबा भी लें। अब इसका इस तरह से रोल की तरह बना लें। इस तरह से रोल बना ले। अब इसे इस तरह से रोल कर ले। इस तरह से रेडी कर करके रख ले। इसी तरह सारे रेडी करके रख ले। ये इस तरह से सारी लोई तैयार हो चुकी है। गैस पे तवा चढ़ा दिया है गरम करने के लिए। अब इस लोई में ये सूखा आटा लगा के इसे बेल ले। इसे हल्के हाथों से बेले। ये थोड़ा मोटा ही बनेगा, बहुत ज्यादा पतला नहीं बनेगा। ये इस तरह का बेल चुका है। गैस पे तवा गरम हो चुका है। अब इसमें ये डाल दे। गैस को धीमी आंच पे कर दे एक बार। ये एक साइड सिक चुका होगा, इसे आप पलट दे। घी लगा के अच्छी तरह से सेके।
इसे धीमी आंच पे ही सेके से ये क्रिस्पी होगा। बीच बीच में गैस तेज और धीमी करते रहें। अब इसे फिर से पलट दे, अच्छे से घी लगा के इसे सेके। इसे दबा दबा के सेके। ये पराठा इस तरह से सिक चुका है, इसी तरह सारे पराठे सेक ले। ये कुछ इस तरह का हो गया है, ये देखिए। अब इसे गर्मा गर्म सर्व करें। इसका लच्छा देखिए कितना अच्छा बैठा है। आलू प्याज का लच्छा पराठा रेडी है, इन्हें गर्मा गर्म सर्व करें। ये खाने में बहुत ही स्वाद लगते हैं। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं।